हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर पैक जो आपके हेयर के ग्रोथ में काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की भी बनाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना। आपको मेथी दाना लेना है, आपको लगभग इतना लेना है। मैंने इस चम्मच के हिसाब से मैंने 4 चम्मच लिया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये सोक होने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ही लेना है। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसको सोक होने के लिए ओवरनाइट तक छोड़ देंगे और जब सुबह देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो गया होगा। आप देख सकते हो ये फूल के कितना ज़्यादा हो गया है, इसका अमाउंट डबल से भी ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सोख हो चुका है। जब आप इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये अपने आप फूट जाएगा, तो आप समझ लेना कि ये पूरी तरीके से सोख हो गया है। और जो इसमें पानी है उसको आपको फेंकना नहीं है, इन दोनों को साथ में आपको इसे मिक्सर में डाल देना है और मिक्सर में डाल के आपको इसे अच्छे से क्रश कर लेना है ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हो इसके पानी का कलर भी चेंज हो गया है, तो जो मेथी दाने का गुण है सोख होने के बाद उसका गुण भी उस पानी में आ गया है। तो आपको इसे फेंकना नहीं है, आपको इसको साथ में रखना है और साथ में इसको ब्लेंड कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हो कितना स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो आपको इसे सेम कंटेनर में निकाल लेना है और इसके बाद आपको इसमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो आपको इसमें ऐड करना है लगभग 4 से 5 चम्मच कर्ड। आप अपने हिसाब से ऐड कर लो, जितना आपका हेयर लेंथ है उसके हिसाब से आप मेथी भी ले रहे हो और उसके हिसाब से आप इसमें कर्ड भी ऐड कर लो। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है पॉजिटिव रूट थेरेपी का कैस्टर ऑयल। तो बस इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमारा हेयर पैक रेडी हो जाएगा। इस हेयर पैक को हम अपने बालों में अप्लाई करेंगे। ये हमारे बालों को फास्ट हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए। तो आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमारा हेयर पैक रेडी हो जाएगा। अब हम इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है आपको अप्लाई करते वक्त, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गिरता है। तो आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है अप्लाई करने से पहले, ताकि उसमें कोई भी टैंगल ना हो। सारे टैंगल को रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद ही आपको इसे अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। तो अभी मैं अपना कॉम करके सारा टैंगल रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इसे अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो बस अब हम इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि इस हेयर पैक का बेनिफिट क्या क्या है। तो हमने इसमें सबसे मेन इन्ग्रीडियंट ऐड किया है फेनुग्रीक सीड। तो फेनुग्रीक सीड में बहुत ज़्यादा मात्रा में फोलिक एसिड होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के एंड विटामिन सी होता है, जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ऑल्सो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। इसमें पाया जाता है लेशिथिन जो कि हाइड्रेटिंग होता है, ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन ऐड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और निकोटिनिक कंटेंट होते हैं जो हाईली बेनिफिशियल होते हैं आपके स्कैल्प और आपके हेयर हेल्थ दोनों के लिए। ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और आपके बालों से ड्राइनेस को दूर करता है, साथ ही साथ ये बाल्डनेस को भी दूर कर सकता है और आपके हेयर थिनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। फेनुग्रीक सीड एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारे बालों के लिए जो ऑलमोस्ट सारे तरह के हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आपको इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद आपको इसे बन बना लेना है या फिर आप अपने बालों को क्लचर से सिक्योर कर सकते हो। और इसके बाद आपको इसे सेफ रखने के लिए आपको इसे एक रैपर से रैप कर देना है, लाइक आप वो बाथ कैप का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको इसलिए यूज़ किया है ताकि ये बहुत ज़्यादा बालों में ड्राई ना हो, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाएगा तो बालों से रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको इसे लगा के रखना है और आपको इसे अपने बालों में 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे बाद आपको इसे रिमूव कर देना है और आपको नॉर्मल वाटर की हेल्प से अपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपके बाल जब
आप गीले होंगे तो थोड़े से ड्राई और फ्रीजी महसूस होंगे आपको, लेकिन बाल जैसे ही सूख जाएंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। मैंने किसी भी शैम्पू का यूज़ नहीं किया या फिर कोई कंडीशनर या सीरम का यूज़ नहीं किया, बस मैंने नॉर्मल वाटर की हेल्प से अपने वॉश बालों को वॉश किया है और आप देख सकते हो रिज़ल्ट कितना अच्छा मिला है। तो गाइज़ आप इसे ट्राई करना है, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।